आपने अपने दिमाग पर अगर चीज ठान लिया जाए, मैंने इसी लाइन को पकड़ना है और आगे बढ़ना है जी जी, तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए एक तालाब के अंदर जो ना 10,000 किस्म की मछलियाँ होती हैं जी जी, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं जी जी, तो आप बुरी मछलियों को छोड़ दो, आप अपने अपने अच्छे उसको देखोगे इंशाल्लाह ताला कि आप आगे चल के आपको अपने उस पर क्या करना है, अपने दम पे अपने चैनल को खड़ा करना है जी। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। रियल लाइफ ओवेस ऑफिशियल में खुश आमदीद। तो आज मैं आपको अपने बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ, मुइज़ भाई से, जिन्होंने हमें बोला है कि हिम्मत नहीं आ रहो, यूट्यूब पे अपनी व्लॉगिंग जारी रखो, ताकि आपके पास नेगेटिव जो कमेंट करते हैं अक्सर लोग हमें, तो उनका आपने टेंशन नहीं लेनी, अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू रखना है आपने जी। तो मुइज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैरियर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप जी। मुइज़ भाई बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो आपको हेट कमेंट करने वाले हैं ना, जो नेगेटिव उनके दिमाग में भरी हुई है जी जी, उन सबको आप छोड़ें और आगे बढ़ें, अल्लाह आपको इंशाल्लाह और तरक्की दे, आमीन। तो देखिए मेरी बात सुने कि अगर बंदा कारोबार शुरू करता है ना जी, छोटा सा अगर बंदा कारोबार शुरू करता है तो उस पर भी जो है लोग 10 लोग लगा करके जी जी, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए जी जी, कि आप खुद से जो है आपने अपने दिमाग पर अगर चीज ठान लिया जाए, मैंने इसी लाइन को पकड़ना है और आगे बढ़ना है जी जी, तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए एक तालाब के अंदर जो ना 10,000 किस्म की मछलियाँ होती हैं जी जी, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं जी जी, तो आप बुरी मछलियों को छोड़ दो, आप अपने अपने अच्छे उसको देखोगे इंशाल्लाह ताला कि आप आगे चल के आपको अपने उस पर क्या करना है, अपने दम पे अपने चैनल को खड़ा करना है जी जी। तो आप देख सकते हैं, आपने तो अभी माशाल्लाह शुरू किया, अल्लाह आपको इस चैनल में तरक्की दे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था अवेश भाई, सीधी सी बात ये है कि आपने तो अभी माशाल्लाह चैनल स्टार्ट किया, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपका ये चैनल बहुत पहुंचे ठीक है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं जी जी, इनके 4 मिलियन से ऊपर हैं। इंडिया के कैरी मिनाटी साहब हैं, उनके तो 37 मिलियन क्रॉस हैं जी जी, तो उनके भी हेटर्स हैं जी जी, लेकिन वो हेट कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं जी। तो आप भी इसी तरह करें, आपको अगर कोई हेट कमेंट देता है ना, आप उसको इग्नोर करें जी जी, क्योंकि आपको अपने दम पे आगे बढ़ना है, आपको किसी और के दम पे आगे नहीं बढ़ना। आप अगर किसी और के दम पे आगे बढ़ेंगे ना, उसके हेट कमेंट्स को देख के अपने दिल पे लेंगे, तो आपका चैनल नहीं चल पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी जी जी। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा व्यूवर्स को जो है आप कॉन्टेंट दें जी इंशाल्लाह। हर दिन आप अगर ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि हर दिन एक नया कंटेंट व्यूवर को देखने को मिले जी जी इंशाल्लाह। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हेटर्स को छोड़ें जी जी, हेटर्स सबकी लाइफ में होते हैं, सब मतलब सब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर जलने वाले होते हैं, जलने वाले होते हैं जी जी, जो जलते हैं आपकी तरक्की से जलेंगे, आप आगे तरक्की करोगे तो लोग हसद भी करेंगे आपको देख जी जी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दम पे अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, हेटर्स को छोड़ें जी जी, और बैड कमेंट्स जो आ रहे हैं ना उनको इग्नोर करके जो अच्छे कमेंट्स हैं ना उनसे मोटिवेशन हासिल करें इंशाल्लाह। और मैं व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूँगा कि इनका नया चैनल है और आप इनको खुद मोटिवेट करें, ताकि इनके उनके इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँ, इनके व्यूअर्स बढ़ाएँ, लाइक्स अच्छे से करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हेटर्स को इग्नोर करें जी, लेकिन आप ये देखें कि अगर 2 हेटर्स हैं तो 10 अच्छे कमेंट करने वाले भी तो हैं ना, इंशाल्लाह अच्छे भी हैं। आप अच्छे कमेंट को देखें, आप हेटर्स को छोड़ दें, आप हेटर्स को इग्नोर करें जी जी, और अपने दम पे अपने चैनल को आगे बढ़ें जी, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे, आपका चैनल को तरक्की दे, आपका जो रियल लाइफ अवेश ऑफिशियल के नाम से जो चैनल है वो इंशाल्लाह आप, मैं दुआ है मेरी कि वो ग्रोथ करे, अच्छे से ग्रोथ करे, आपके सब्सक्राइबर्स और बढ़े। और बाकी ये है कि हेटर्स वगैरह को इग्नोर करें, हेटर्स ये आपका देखें, आप सिर्फ जो है ना ये आप कमेंट्स में ही आपको वो कर सकते हैं, सामने आके नहीं बोल सकते जी, समझे? बिल्कुल। थैंक यू मुझ भाई, आज आपने बहुत मेरा साथ दिया, आपने एक बड़े भाई की तरह मुझे समझाया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, थैंक यू, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझ भाई, थैंक यू सो मच। ओके व्यूवर्स, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। शेयर करें, सब्सक्राइब करें अवेश भाई के चैनल को, ताकि इनको और मोटिवेशन आए और ये अपने चैनल को और ग्रोथ करें। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।